मॉनसून में ज्यादा ह्यूमिडिटी ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए काफी परेशानियां लेकर आती है। बार बार पसीना आने की वजह से और ऑयल स्किन पर जम जाने से स्किन ऑयली और डल लगने लगती है। मॉनसून में अपनी स्किन पर जमा ऑयल और डर्ट रिमूव करने के लिए डीप पोर क्लींजिंग फेशियल स्क्रब बहुत जरूरी हो जाता है। हफ्ते में 2 बार फेशियल स्क्रब जरूर करें। स्क्रब को चेहरे पर अप्लाई कर स्किन पर जेंटली और सर्कुलर मोशन में रब करें। एक होममेड फेशियल स्क्रब के लिए चावल के आटे में बारीक बादाम, दही और एक चुटकी हल्दी मिलाएं। पिंपल, एक्ने और रैशेस वाली स्किन पर इस स्क्रब को ना लगाएं। बार बार स्किन को सादे पानी से धोएं। फ्लावर बेस्ड स्किन टॉनिक और फ्रेशनर स्किन के लिए ह्यूमिड वेदर में बहुत ही अच्छा है। गुलाब जल एक नेचुरल टोनर है। हमेशा फ्रिज में स्किन टॉनिक और रोज वाटर रखें। कॉटन वूल पैड्स की मदद से फेस को वाइप करें। ह्यूमिड वेदर में स्किन ब्लैक हेड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फेशियल स्क्रब को ब्लैक हेड प्रोन एरिया पर अप्लाई करें। स्क्रब को अपने पोर्स और एक्ने द्वारा छोड़े गए मार्क्स की जगह पर अप्लाई करें। ओट्स को एग वाइट में मिक्स करें और हफ्ते में 2 बार चेहरे पर जरूर अप्लाई करें। अगर चेहरे पर किसी तरह का कोई रैश, पिंपल या एक्ने है तो चेहरे को मेडिकेटेड क्लींजर से साफ करें। चेहरे को स्किन टॉनिक से वाइप करें। अपने पास एक एस्ट्रिंजेंट लोशन जरूर रखें और रोज वाटर के साथ मिक्स कर लें। चंदन की लकड़ी के पेस्ट में रोज वाटर मिक्स कर रैशेस वाले एरिया पर हल्का अप्लाई करें। अगर आपकी स्किन बहुत ही ऑयली है तो मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन से ऑयल रिमूव करने में मदद करेगी। मुल्तानी मिट्टी में रोज वाटर मिक्स कर पेस्ट बना लें और चेहरे पर अप्लाई कर लें। इसे सूखने पर धो लें। एक मॉनसून फेस मास्क के लिए 3 चम्मच ओटमील को एग वाइट, शहद और दही के साथ मिक्स कर लें। अप्लाई करने के आधे से 1 घंटे के बाद धो लें। इसे हफ्ते में 1 से 2 बार जरूर लगाएं। मॉनसून के दौरान बॉडी फ्लूइड्स को पसीने के जरिए लूज करती है। ध्यान रहे कि अपने सिस्टम को एक्टिव रखने के लिए ज्यादा पानी पिएं। पानी के अलावा आप नींबू पानी, फलों का रस भी ड्रिंक्स में शामिल कर सकते हैं। स्टार्च से भरे खाने को अवॉइड करें। सलाद, स्प्राउट्स और दही को डेली डाइट में शामिल करें।